सैमसंग के डिवाइसेस में कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं कि जब भी हम लोग कोई नोटिफिकेशन या फिर कॉल आता है तो फिर कैमरा या फिर नॉच के नीचे हम लोग को एलईडी लाइट ब्लिंक करते हुए दिखता है जो कि मल्टी कलर होता है या फिर सिंगल कलर का भी होता है। बट यहाँ पर गाइस इस ट्रिक की हेल्प से आप लोग को कोई भी फोन में काफी सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे जिसको कि आप लोग अपने नॉच या फिर कैमरा के नीचे उसको सेट कर सकते हो। एंड जब भी आपका कॉल आएगा, आप फोन चार्ज पे लगाओगे या फिर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपके नॉच के नीचे वो ब्लिंक करेगा एलईडी लाइट जो कि दिखने में काफी कूल एंड ऑसम लगने वाला है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो यार कि आप लोग का फोन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखे, थोड़ा सा कूल दिखे एंड सैमसंग का ये फीचर आप लोग के फोन में आए तो यार वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो को अगर पूरा नहीं देखोगे तो वीडियो में कुछ ऐसे सेटिंग्स बताने वाला जो कि यार ध्यान से ही देखना पड़ेगा। ऐसे अगर आप लोग खुद से करने जाओगे तो वो नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेटिंग्स यहाँ पर आप लोग को करनी पड़ेंगी। तो वीडियो को पूरा देखो एंड चैनल पर नया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य नाइट यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जैसे एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करना एंड ओपन करने के बाद गाइस आपको सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर एग्री वगैरह सारे परमिशंस को कर देना है एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से देखो स्क्रीन के चारों साइड यहाँ पर लाइटनिंग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेन जो काम है गाइस, पहले तो मेन सेटिंग्स पे आप लोग को जाना है। मेन सेटिंग्स में जाने के बाद जितने भी सारे यहाँ पर स्क्वायर्स आप लोग को दिख रहे होंगे सारे पे क्लिक करके, ठीक है, इसको जो है यहाँ पर से इनेबल कर देना है। ठीक है, देख सकते हो नीचे एक एओडी का ये दो ऐप आ रहे हैं तो इसमें से इसको यहाँ पर से इनेबल कर देंगे। देखो मैंने इसको इनेबल कर दिया सेटिंग्स में जाके, क्योंकि गाइस ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है इसको इनेबल करना। देखो यहाँ पर टिक लग चुका है, वैसे करके सारे को जितने भी सारे यहाँ पर मांग रहे हैं सारे को यहाँ पर से इनेबल कर देना है। ये भी मैंने यहाँ पर से इनेबल कर दिया। उसके बाद बैक चलते हैं, और भी कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलता है तो ये भी हम लोग यहाँ पर से इनेबल कर देते हैं। फिर से बैक जाते हैं गाइस, सारे को आप लोग एक एक करके कर लेना। उसके बाद गाइस आप लोग को नीचे एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पर आप लोग को सेव पे क्लिक कर देना ताकि जो भी सेटिंग्स आपने की है सारी सेटिंग्स सेव हो जाए। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर ऐप सेटिंग्स पे आना है। ऐप सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर भी जितने सारे दिख रहे हैं जो जो भी आप लोग ऑन कर पाते हो उनको जो यहाँ पर से ऑन कर देना। एंड देखो जैसे इसको मैंने ऑन किया तो यहाँ पर देखो ऑलवेज ऑफ और ऑन है, ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको ऑलवेज ऑफ और ऑन पे आप लोग को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर और भी काफी सारे ऑप्शन थे तो सारे को आप लोग कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, उसको आप लोग को कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आके इस सेटिंग्स को यहाँ पर से सेव कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पर से सेव कर दिया। अब आ जाते हैं गाइस मेन सेटिंग में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है तो इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लाइटनिंग सेटिंग का, ओके इस पे आना है। इस पे आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है अराउंड नॉच ओनली, देखो यहाँ पर दिख रहा है तो इसको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे जाना है एंड यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है ये जो स्पार्कल स्क्रीन ऑफ ओनली है ये वाला, में इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ये वाला। एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है एंड यहाँ पर आप लोग को देखने मिलेगा काफी सारे कलर, तो आप लोग रेनबो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर कलर स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि सिंगल सिंगल लाइट एक एक बार करके वहां पर ब्लिंक होता रहेगा, तो मैंने यहाँ पर रेनबो सेलेक्ट किया आपको नीचे वाला। ये दोनों ही मेन ज्यादा बेस्ट फीचर, तो इन दोनों में से जो भी आप लोग को सेलेक्ट करना है उनको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे गाइस तो आप लोग को यहाँ पर एक लाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें आप लोग ग्लो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर से मैंने ग्लो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एजेस स्पीड में आप लोग इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना, कुछ अराउंड 9-10 तक कर लेना। उसके बाद चलिए उसके बाद ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद यहाँ पर और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे आप लोग ऊपर आओ गाइस आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनेबल नॉच सपोर्ट, जो कि आप लोग का यहाँ पर ऑन रहेगा, नहीं रहेगा तो ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर मैनुअली एडजस्ट मैनुअली का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आप लोग को नॉच टाइप सेलेक्ट करना होगा कि आपका किस तरीके का नॉच है गाइस। तो यहाँ पर मेरा वी नैरो नॉच है, आप लोग का यू हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, तो आप लोग देख लेना सारे सेलेक्ट किस में आप लोग का आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर
यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर वी नैरो मैं अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अभी देखना यहाँ पर जो है मेरे यहाँ पर कैमरा का जो नॉच है वी नॉच यहाँ पर अभी देखने को शो होने लगेगा। लेकिन इसके लिए आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा और सेटिंग करना होगा तभी यहाँ पर ये दिखने वाला है मतलब ऊपर में। तो उसके लिए क्या है देखो नॉच विड्थ है, तो नॉच विड्थ को अराउंड 270 के आसपास मैं रखूंगा, पर भी कर लेते हैं 270-80 के आसपास, तो ये दिखने में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने इसे पहले भी किया हुआ है। एंड यहाँ पर जो देखो नॉच हाइट है तो नॉच हाइट को भी कुछ रख लेना है। देखो जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखो अभी हाइट देखो कितना ज्यादा हो चुका है, तो इसी को आप लोग को एडजस्ट करना है, जो कि आप लोग ऐसे ही जब इसको करोगे हल्का हल्का जब करते जाओगे तो ये अपने आप यहाँ पर से सेट हो जाएगा। एंड जहाँ पर आप लोग को सही से फिट हो जाए वहां पर आप लोग को इसको सेट कर देना है। तो मैं जल्दी से इसको सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने इसका सेटिंग कर लिया है, एंड देख सकते हो ऊपर देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है यार। एंड यहाँ पर अगर मैं अपने सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने अपने नॉच के हाइट को रखा है अराउंड 79 एंड नॉच के विड्थ को रखा है अराउंड 276 के आसपास, और यहाँ पर कर्व रेडियस को भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था अराउंड 120 के आसपास। तो इतना आप लोगों को कर लेना है तब आपके सामने कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाएगा जो है प्रीव्यू। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर से देखो अगर मैं यहाँ पर से कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है यार, जो कि देखने में काफी कूल लगता है। इसमें आप लोग का क्या होगा कि कलर चेंज होके आएंगे, देख सकते हो कैसे कलर ग्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर रेनबो रखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो है रेनबो वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। एंड अगर वन कलर आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर से कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों उतने खास नहीं है, ये रेनबो एंड कलर स्पेक्ट्रम ज्यादा ही खास है। और उसके बाद जब आप लोग थोड़ा सा नीचे आते हो तो लाइटिंग इफेक्ट में जैसे मैंने ग्लो करके रखा हुआ, अगर मैं डैश्ड रखता हूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का हम लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं डैश्ड नहीं रखूंगा, मैं ग्लो रखूंगा। एंड ग्लो रखने के बाद गाइस बस हो चुका है, इसका स्पीड आप लोग घटा बढ़ा सकते हो, मुझे इतना ही पसंद है। तो यहाँ पर से मैं अभी कर देता हूँ इसको सेव, एंड सेव हो जाने के बाद गाइस बस हो गया आप लोग का काम। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर मेरा डिवाइस लॉक है, एंड इसको जैसे मैं यहाँ पर ऑन करूंगा देख सकते हो ऑन करते के साथ ही यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सेटिंग कैसे कर सकते हो ये भी बताऊंगा, साथ ही मैं एक और सेटिंग आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही डिवाइस को चार्जर के साथ कनेक्ट करूंगा यहाँ पर आप लोग एक चीज देखने को मिली, जैसे ही मैंने इसको चार्जिंग में सेट किया देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से ये लाइट ब्लिंक कर सकता है। तो आप ऐसा भी सेटिंग कर सकते हो कि जैसे आप लोग चार्ज में लगाओ ये ब्लिंक करता रहे। तो जल्दी से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ऑन करते के साथ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये ब्लिंक कर रहा है। तो ये सेटिंग आप लोग करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन ओपन करके ऐप सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर से मैंने बताया था कि जो जो आप लोग कस्टमाइज करना चाहो कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस आप लोग जब आओगे तो यहाँ पर वेन नोटिफिकेशन रिसीव इसको तो टिक करना ही, साथ में मैं बता देता हूँ ये वाला नोटिफिकेशन और अनदर ऐप वाला सेटिंग ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर मेन सेटिंग में बताता हूँ व्हाइल द डिवाइस इज चार्जिंग इसको ऑन करके ऑलवेज ऑफ और ऑन पे रख देना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिले, ये रेड लाइट वाला ऑप्शन मत ऑन करना गाइस। उसके बाद गाइस आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर रिसीविंग कॉल्स में भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद और एक आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर जो और एक बहुत ही मेन सेटिंग है वो है व्हाइल स्क्रीन इज ऑन आफ्टर अनलॉकिंग 2 मिनट, ठीक है। तो जैसे आप लोग स्क्रीन लॉक स्क्रीन को खोलते हो अपने फोन के लॉक को तो यहाँ पर वो ब्लिंक करने लगेगा, एंड कितने देर के लिए ब्लिंक करे यहाँ पर आप उसका टाइमर सेट कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट प्लस माइनस दिया हुआ है, वो अपने हिसाब से टाइम आप लोग सेट कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना, थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर रन ओनली इफ डिवाइस इज चार्जिंग, इस पर आप लोग टिक जरूर से लगा देना। उसके बाद बस हो गया गाइस आप लोग को नीचे आके इसको कर देना है सेव, बस हो चुका है आपका काम। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज करके अपने फोन के नॉच के एलईडी लाइट को सेट कर सकते हो जो कि दिखने में काफी कूल एंड अट्रैक्टिव लगेगा, एंड सैमसंग के फोन्स में जैसे ये ऑप्शंस आते हैं वो आपके किसी भी फोन में हो जाएंगे। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज करना है, किस तरीके से सारे सेटिंग्स को सेट करना है उसको, तो आप लोग को पता है कि किस तरीके से आप लोग को लगने वाला। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा यार वीडियो में कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ एंड अच्छे अच्छे ऐप्स के रिव्यूज लाते रहता हूँ। सो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, एंड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं सारे को रिप्लाई दे देता हूँ। देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।